तो बच्चों अपार कार्ड बनने वाले हैं आपके सबके। अपार कार्ड को मैंने लाइव में बता दिया है, मैं एक बार से रिपीट कर रहा हूं, छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। अपार कार्ड क्या होगा, जैसे आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, ऐसे ही बच्चों का बनेगा अपार कार्ड। इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं और इस इंफॉर्मेशन को आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए। जैसे वन नेशन वन आईडी की तर्ज पर हर स्कूली छात्र का होगा यूनिक नंबर, ध्यान से देखिए। जैसे वन नेशन वन आईडी है, आधार कार्ड सबकी एक आईडी होती है पूरे देश में, ऐसे ही हर छात्र का एक अलग से बनेगा अपार नंबर और इससे आपको पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक में काम आएगा। और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है मैं आपको बता देता हूं। ये हर बच्चे का बनेगा, प्लस 12 डिजिट का होगा, इसमें 12 डिजिट होगी बच्चों, और ये आपका सबका बनेगा। सारे स्टेट को इसकी एक आदेश दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, कि आप ये कार्ड बनाइए और ये कार्ड स्कूल में बनेंगे, आपके स्कूल में बनेंगे। कहां बनेंगे? स्कूल में बनेंगे। 12 डिजिट का होगा, नर्सरी से लेकर या बहुत छोटी क्लास से लेकर आप जब तक जॉब करोगे, कहां कहां आपने जॉब करी, आपकी सैलरी कितनी थी, आपका पूरा एकेडमिक डेटा होगा इसके अंदर, कह सकते हैं एक तरह से कि डिजी लॉकर का एडवांस फॉर्म होगा। और इससे बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि इसमें फ्रॉड रुक जाएगा, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल एससी एसटी ओबीसी वो लिखा होगा इसमें, आपने कितने एग्जाम दिए, आपका पूरा एकेडमिक स्कोर क्रेडिट सिस्टम होगा इसके अंदर, आपने कब कितने एग्जाम पास किए, कितने नंबर आए। जब भी आप जॉब करोगे आपको बस वो आधार नंबर की तरह अपार नंबर बताना है। अपार, अपार नंबर की फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 12 डिजिट का नंबर आपके स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहां तक आप पढ़ोगे सब कुछ इसमें होगा। और इसका जो इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है बनाने की, ठीक है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका नाम है अपार। और ये आपको अपने स्कूल से पूछना है कि सर हमारा कब बनेगा, अनुराग सर ने बताया है, तो आप अपने स्कूल से एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए और अपने स्कूल से पूछ लीजिए कि आपका अपार कार्ड कब बनेगा, ठीक है। और हम भी बनवाएंगे अगर हमें परमिशन मिली, हो सकता है पुराने लोगों का बनाए जो पहले पढ़ चुके हैं। तो आई होप अगर आपको अपार के बारे में कुछ अच्छा पता है इससे ज्यादा जो मैंने बताया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि कमेंट पढ़कर बच्चों को पता चल जाए। और अगर आप अपार के बारे में हमसे कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आपके स्कूल ने आपको अपार के बारे में कुछ बताया तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।